डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आज हम फिर आए हैं बिजनेस स्टैटिक्स आईकॉम पार्ट टू के नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको सवाल करवाने लगे हैं 3.3 का सी पार्ट। इससे पहले टू मेथड हम आपको करवा चुके हैं, अब हम तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया नज़र आ रहा होगा। 3 इसका जूस है, टेकिंग यूज इक्वल टू एक्स माइनस 40 डिवाइड बाई 10, ठीक है। और ये आपको एक्स की वैल्यूज दी हुई है। पहले आपको बताया था यहाँ पर जो 40 दिया हुआ है, ये आपका क्या है? ये ए है, ये जो ना आपका ए है, लेकिन उसने हमें निकाल के दे दिया, इसलिए हमें लेने की जरूरत नहीं है। और 10 जो है वो आपका इंटरवल है, इसका मतलब है एक्स की जितनी भी वैल्यूज है वो 40 में से माइनस होंगी, और जो उसका आंसर आता जाएगा वो आप साथ साथ जो है 10 पे डिवाइड करते जाएंगे। तो चलते हैं सवाल की तरफ। ये देखिए, 100 में से आप 40 को लेस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 60। और 60 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 6। इसी तरह 90 को 40 में किया, 50 इसको डिवाइड किया, 10 के साथ 5 आ गया। 50 में से माइनस किया 40 का, तो आपके पास 10 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। इसी तरह इसका आ जाएगा 2 और 40 का 0 आ जाएगा, फिर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2, 3, माइनस 3 और 4, ठीक है। ये देखिए, अब ये करना है आपने सब पर टोटल करना है, और टोटल करके मेरे पास ये आ रहा है 15। अगर तो उसने आपको कोई वैल्यू ना दी हो तो आप अपनी मर्ज़ी से जूम करेंगे, ठीक है ना। अगर उसने आपको निकाल के दे दी है तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा, और इस सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अहम है, इस चीज़ की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लें। अब हमें यह करना है, सिंपल इसको फॉर्मूले में पुट करना है। एच भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। ए की वैल्यू आपके पास क्या आई है, जो उसने जूम किया वो 40 है। समेशन यू का टोटल आपके पास क्या आया है, वो है 15। और तादाद कितनी है आपके पास? 10। इंटरवल भी आपके पास 10 है। सबसे पहले यह करना है, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 150। उसको 10 भी डिवाइड करेंगे, ये जी 7 पे एक्स बार जूम डो है, इसके नंबर मिलते हैं आपको। 150 को जब आप 10 भी डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 15। और 15 में जब आप 40 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 55, ठीक है। क्या आएगा आंसर? 55। ये जी आपका आंसर निकल गया। ये तो आपको करवाया है इनडायरेक्ट मेथड से नहीं, बल्कि ये करवाया गया है स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड से, ठीक है। इसी तरह जब आप उसको डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे और इनडायरेक्ट से निकालेंगे तो इन तीनों का आंसर आपके पास क्या आएगा? 55, क्योंकि ऑप्शन जी लिखा हुआ साथ कंपेयर करना है। तो ये आज का आपका जो हमने तीसरा मेथड करवा दिया है, तो मीन के जो अनग्रुप डाटा के जितने भी फार्मूले थे उसको हमें तेरह तरीके से समझा दिए आपको। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, तो इसकी प्रैक्टिस करें। साथ ही क्वेश्चन हम आपको असाइनमेंट के लिए भी दे देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको इसकी अपडेट मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।